लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, राम राम। एचएसएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो पेपर हुआ था 25 दिसंबर को, उसके अंदर साइंस के लगभग 10 क्वेश्चन आए हुए थे, उन्हीं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन दिया है, जो ह्यूमन ईयर है, क्या है ह्यूमन ईयर? यानी कि मानव कान, मनुष्य का जो कर्ण है, मानव कर्ण, मानव कर्ण की जो क्षमता है, किस रेंज तक सुन सकता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सुन सकता है। इसके अंदर ऑप्शन थे, पहला है 40 से 40 के, यानी 40 है कुल, 40 से लेके 40 के का मतलब है 40,000, और उसकी जो सुनने की क्षमता होती है आवृत्ति, उसका जो मात्रक है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी। दूसरा ऑप्शन था, यहीं पे लिख देता हूं बी में, इसके बाद था 30 से लेके 35 हर्ट्ज केवल, और सी ऑप्शन के अंदर था 20 से लेके 20 के हर्ट्ज, और डी ऑप्शन गिवन है 50 से लेके 50 के हर्ट्ज। तो सभी को पता है मनुष्य की जो कम से कम कितना, 20 और ज्यादा से ज्यादा, यानी न तो 20 से कम सुन सकता और न 20,000 से ज्यादा सुन सकता। तो ये क्या है, ऑडिबल रेंज है, श्रवण अक्षमता, इससे न तो कम सुनेगा और न ज्यादा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन सेकंड लिखेंगे, क्वेश्चन सेकंड दिया था, कौन सा रोग अस्वच्छ जल के कारण होता है, अस्वच्छ जल के कारण होता है? ऑप्शन गिवन है कुष्ठ, यानी कुष्ठ को क्या बोलते हैं, सूखा रोग, और बी आपका ट्रैकोमा, और सी के अंदर नेत्र श्लेष्मा शोध, नेत्र श्लेष्मा शोध, और डी है आपका ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ट्रैकोमा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड के अंदर पढ़ेंगे, भोजन के घटक यानी कॉम्पोनेंट, ये सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, भोजन के घटक कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, थर्ड है वसा, और डी है ये सभी। तो आपको पता है सभी उसके कंपोनेंट, लिपिड और प्रोटीन एक में ही दिए हैं, यहां क्या दिया है, लिपिड व प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन फोर है, कौन निम्न में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? क्वेश्चन फोर है, होता ऑप्शन ये सामने लिख देता हूं। नंबर एक है स्टील, ए में स्टील, बी आपका इसके अंदर है कोबाल्ट, थर्ड है निकल, और डी क्या है,
पीतल, ये सभी क्या है कि कैटेगरी के है, कोबाल्ट, निकिल, स्टील, आयरन, तो इसका जो अलग है वो क्या हो जाएगा, पीतल। पीतल इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन फाइव है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, ए में ट्रैकिया, इंग्लिश के वर्ड है वैसे, बी है डायफ्राम, सी है आपके पास फेफड़े, और डी है गुर्दा। सभी को पता है तीनों किसके पार्ट हैं, ट्रेकिया डायफ्राम ये वाला पार्ट है, सी लंग्स फेफड़े हैं, और डी क्या है, किडनी। तो किडनी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन सिक्स के अंदर, क्वेश्चन सिक्स में देखते हैं क्या भाई, वस्तुओं के आवर्धन के लिए इससे पहले मैं एक और कराता हूं, टमाटर में कौन सा, ये मैंने एक वीडियो में करवा भी रखा है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है सिट्रिक, बी है आपका ऑक्जैलिक, ऑक्सैलिक हिंदी में, सी है आपका लैक्टिक, और डी है HCl लिखा हुआ है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। सबसे पहला सिट्रिक आपको पता नींबू है, संतरे में मिलता है, ऑक्जैलिक किसमें, टमाटर व पालक में, पालक में भी होता है, लैक्टिक दही के अंदर, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में और दही में, और HCl एक लेबोरेटरी रिएजेंट है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑक्जैलिक अम्ल। क्या आएगा, ऑक्जैलिक अम्ल, जिसका फार्मूला भी ये होता है COOH, ये वाला, या इसको ऐसे लिखते हैं COOH की ट्वाइस, तो ये क्या है, ऑक्जैलिक अम्ल, क्या है, ऑक्जैलिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन सेवन में देखते हैं क्या है, क्या होता है जब सोडियम को पानी में डुबोया जाता है, क्या होता है ता है जब सोडियम को पानी में डुबोया जाता है, तो ऑप्शन ए है यह आग पकड़ता है वह ऑक्साइड बनाता है, बी के अंदर क्या है, ऊष्मा को यानी कि एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, सी है आपके पास आग पकड़ता है वह हाइड्रोक्साइड बनाता है, डी आपके पास है, यही लिख देता हूं डी, यह ऊष्मा को अवशोषित करता है, दूसरे में क्या था, ऊष्मा को अवशोषित करता है वह ऑक्साइड बनाता है, दूसरे में ऑक्साइड बनाता है, यह हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, और डी केवल क्या है, यह ऊष्मा को अवशोषित करता है
उष्मा को अवशोषित करता है वह हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैं इक्वेशन ही लिख देता हूं, जब Na है किसके अंदर घोलेंगे, वाटर के अंदर H2O के अंदर, तो क्या बनेगा NaOH प्लस में हाइड्रोजन, बैलेंस कर लेंगे, इधर कितने हैं दो और एक तीन है, इसको बैलेंस कर लेंगे, दो ऑक्सीजन तो इसको चार बनाने के लिए दो से गुणा, तो एक तो क्या बनाएगा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड किस ऑप्शन के अंदर है, आग पकड़ेगा और हाइड्रोजन धमाके के साथ जलेगी, आग पकड़ता है वह हाइड्रोक्साइड बनाता, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्या आएगा सी इज द राइट ऑप्शन। और क्वेश्चन 8 है जो, किस धातु के अंदर, किस धातु के, किस धातु में ऊंच तापीय, उच्च तापीय चालकता होती है, राइट ऑप्शन देखेंगे, पहले ऑप्शन लिख देते, ए में क्या है पीतल, बी कांसा, सी आपके पास है तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो आपको पता है ये दोनों तो धातु है ही नहीं भाई, पीतल और कांसा, तो इसने धातु पूछा है किस धातु के अंदर। अब बात आती है एल्यूमिनियम और तांबे के अंदर, एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है वो जल्दी गर्म तो होती है लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं सकती, तो सी इज द राइट ऑप्शन तांबा। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्गन की आपूर्ति, आर्गन गैस होती है किसके अंदर होती है, विद्युत बल्लब के अंदर, आर्गन की आपूर्ति, आर्गन की आपूर्ति, आर्गन की आपूर्ति किस रंगीन सिलेंडर में होती है, किस रंगीन सिलेंडर के अंदर, किस सिलेंडर में होती है। ऑप्शन सामने लिखता हूं, भूरा यानी ब्राउन, बी ऑप्शन है आपके पास काला, सी है नीला और डी है आपके पास लाल। तो ये अंडरस्टूड क्वेश्चन है, तो नीले के अंदर कौन सी गैस बनती है आर्गन, जो विद्युत बल्लभ में होती है। उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन आपको पहले भी मैच कर लिया होगा, मेरे पास तो आज ही आया था, मैंने कोशिश की इसको करवाने की, मेरी ओर से पूरी पूरी कोशिश की है, यही ऑप्शन बेस्ट बनेंगे। फिर भी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हरियाणा।